हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, यह आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक रेजोनेट कर सके, आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अभी इस वक्त आपके पर्सन, जिसको भी सोच कर आप ये लव रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ज़्यादातर लोगों के पर्सन की, वो इस तरीके की है जैसे कि आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना, आपको स्पाई करना, बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखना, अपने माइंड को आपसे डाइवर्ट करने की ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। करंट एनर्जी में ये अपने माइंड को इधर उधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके कहीं आपको थोड़े टाइम के लिए भूल जाएँ, काम करके अपने आपको बिज़ी करके थोड़े टाइम के लिए आपको भूल जाएं, या किसी दोस्त के साथ या अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बातचीत करके उनके साथ टाइम स्पेंड करके कहीं ना कहीं, मतलब ये अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि ये आपको थोड़ा सा भूलें, थोड़ा सा इनके दिल से, दिमाग से आपकी एनर्जी दूर जाए, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 24 घंटे आप इनके सबकॉन्शियस में क्यों हैं, ये क्यों पलट पलट के बार बार आपको खोज रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मन ही नहीं लग रहा आपके बिना बिल्कुल भी। किंग ऑफ कप्स विद 6 of cups, इनको बार बार वो पल याद आ रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में गुजारे हैं, जो भी टाइम पीरियड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप रही हो, बॉन्डिंग रही हो, आप दोनों एक साथ कहीं घूमने गए हों, कहीं आपने डिनर किया हो, लंच किया हो, यहाँ पर वो चीज़ है जैसे कि ये उस सिचुएशन को थोड़े टाइम के लिए दूर कर देना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा इनसे, ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा। ये इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, मैंने इस व्यक्ति को दूर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसका नंबर तक डिलीट कर दिया। हो सकता है इन्होंने आपको पूरी तरह से ब्लॉक रखा हो, आपको बोल भी दिया हो कि अब मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं वापस नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा या सब ख़त्म है, उसके बावजूद ये आप पर नज़र क्यों रख रहे हैं। सब कुछ ख़त्म हुआ तो इनको लगा कि शायद कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करेंगे लेकिन सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, बट ये चीज़ें पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही हैं। क्यों आपके पार्टनर आपके लिए ही क्रेव कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जानने की इनकी क्रेविंग हो रही है, क्यों क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों ये आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों से या कहीं ना कहीं से फ़ाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, यार हमारा छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, तो इस तरीके से वो डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इनको ये भी बोल रहे हैं कि तुम डायरेक्टली बात करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अगर कुछ हुआ है तो सॉर्ट आउट करो। यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि सही बात है, कुछ लोगों के पर्सन हिम्मत करेंगे, वापस आएंगे और आ भी रहे हैं, आप कमेंट में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूनियंस रिसेंटली हुए हैं, और कुछ लोगों के पर्सन अभी भी सोच विचार में हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं बट इनके पास राइट वर्ड्स नहीं हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्या सोचोगे, इतना सब कुछ हो गया है, आप माफ़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये वाली सिचुएशन यहाँ बहुत स्ट्रांग है। लेट्स क्लैरिफाई, अपने छोटू से डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर कुछ कार्ड्स को। इतना मिस कर रहे हैं तो क्या सामने से कॉल मैसेज करेंगे, बातचीत होगी जी, बिल्कुल यहाँ पर क्लैरिटी तो आपको देंगे, आपके पर्सन बात करना चाहते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जताएं कि ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत पोजेसिव हैं,
और यहाँ पर इनके माइंड में मेंटली काफ़ी सिचुएशंस चल रही हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में हैं या आप किसी थर्ड पार्टी में हो, तो जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ था उस बात के बारे में सोचकर रुक जाते हैं। कई बार इनके माइंड में दो ख्याल आते हैं कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। क्या एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस जो इनके दिल में है, खुलकर बताएंगे आपको। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये बिल्कुल आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की वाइब्स है। इवन ये आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहते हैं, खुद वापस आना चाहते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। इन्हें गिल्ट है पिछली गलतियों का, माफ़ी भी मांग सकते हैं, सफरिंग की वाइब्स है। और यहाँ पर ये भी है कि ये बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, शायद आप आ जाओ, शायद आप सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती की है तो जस्टिस इनकी तरफ से ही होना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है विद फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन के साथ आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, ये जजमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हमारे छोटू डेक ने बहुत ब्यूटीफुली क्लैरिफाई कर दिया है सिचुएशन को। दो ही कार्ड ज़रूरी लगे मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करना, बाकी इट्स ऑल क्लियर। तो देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, एक्शन किस तरीके का होगा। वाराणसी में कल रात को 12 बजे से लेकर आज रात अभी तक लाइट नहीं थी। आप ट्विटर पे सर्च करिए पावर कट इन वाराणसी, आपको मिल जाएगा। गजब लाइट कटी गाइस, पूरा इतनी बिजली कड़की, इतनी बिजली कड़की कि कई जगह पेड़ गिर गए, कई जगह लाइट चली गई, सारे ट्रांसफार्मर उड़ गए, बहुत ड्रामा हुआ है। लेकिन फाइनली आ गई है लाइट, कब तक रहेगी पता नहीं, क्योंकि कल तो गजब बिजली कड़क रही थी रात भर। आज सुबह भी थोड़ा, लेकिन आज बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट बिजली थोड़ी बहुत कड़की है और रात को तो बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही लाइट आई मैंने कहा फटाफट कर लो आपके लिए रीडिंग, क्योंकि काफ़ी लोग वेट करते हैं, और अगर लाइट रही तो फिर हम और भी पोस्ट करेंगे, जो भी टैरो विद एम सिंह पे भी मैं आज कुछ पोस्ट करना चाह रही थी। देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ। सैक्रिफाइस डेस्टिनी, इमोशनल विड्रॉवल, एम्परर, लव बिगिंस, वन मोर कार्ड, ओके, और कार्ड आना चाह रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड विजडम। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी मदर गाया की वाइब्स है विद मैसेज कार्ड। इमीडिएट एक्शन में आठ नंबर इम्पॉर्टेंट है, एट, कमिंग 26 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है, कमिंग 26 आवर्स। इमोशनल विड्रॉवल विद सैक्रिफाइस क्यों आया है, आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे उन एनर्जी से जिनके कारण इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया था। यहाँ पर वापस आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के रीजंस यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्या फैमिली रीजंस हैं? जी बिल्कुल, ये डरते थे किसी से जिसके कारण ये आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे या कर रही थी। इवन इन्होंने आपसे बातचीत भी बंद कर दी थी, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जिसके कारण इन्होंने आपसे बातचीत बंद करी थी, बट अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, इमोशनली उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लेंगे। आप में से काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे, मैसेज क्या आएगा, क्या बोल सकते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा क्या बोलेंगे, प्लीज़ गाइड करें। नीचे मत जाओ भाई, कोई वार्निंग तो नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स हैं, वार्निंग्स हैं, क्या मैसेज होगा। अरे अरे अरे, लड़ो नहीं,
वार्निंग ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, आपके पर्सन आपको पहला मैसेज तो ये देंगे कि ये बहुत परेशान है। दूसरा मैसेज ये रहेगा कि इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, इनका मूड बहुत ख़राब है। तीसरा मैसेज ये रहेगा कि ये अब खिसिया चुके हैं पूरी तरह से, अब इनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी या वही करूँगा। हर्ट होने की भी एक सीमा होती है। फाइनेंशियली भी काफ़ी लोगों के पर्सन बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, हेल्थ वाइज डिस्टर्ब रहेंगे, फैमिली सिचुएशंस, लोग, समाज, सोसाइटी, ये चीज़ें यहाँ सब हैं। यहाँ पर हेल्थ सिचुएशंस हैं, फैमिली सिचुएशंस हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं। ये तीनों सिचुएशन से रिलेटेड मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी तरफ वापस इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपको ये बता सकें कि ये केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे चाहे सिचुएशन जो भी हो। ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे चाहे दुनिया इनका सपोर्ट करे या ना करे। बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आप इनका सपोर्ट करोगे। यहाँ पर एक मेजर ट्रांजिशन से आपके पर्सन या तो गुजरे हैं रिसेंटली या इमीडिएट फ्यूचर में ये चीज़ें आप तक आएंगी। सो ये एनर्जी यहाँ पर है और ये जो एनर्जी है ये 26 आवर्स के अंदर आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी इसके बाद 26 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। वेस्ट आपके घर के ये वेस्ट दिशा या जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर वेस्ट दिशा से रिलेटेड कोई गाइडेड मैसेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर आप पर किसी भी तरह की नेगेटिव अटैक होगी या अगर कोई स्पेल कोई कर रहा है या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई आपका दुश्मन है जो अफर्मेशंस कर रहा है आपके अगेंस्ट, आपको बुरा भला सोच रहा है, बुरा भला बोल रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है, कम से कम 3 times कोशिश किया कीजिए कि पढ़ा कीजिए, 7 times रात के टाइम मन भी बहुत लगता है और नींद भी अच्छी आती है। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरे कास्ट से हैं, दूसरे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो आप जिसको भी मानते हैं अपनी प्रेयर्स करके सोइए ताकि आपका ऑरा लॉक रहे। यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाइब्स है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो इस टाइम पीरियड में आप पर अटैक कर रही हैं। मे बी ड्रीम्स के माध्यम से आपको एनर्जी फील हो रही होगी। अगर आपको सपने में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ नज़र आएँ, बहुत ज़्यादा एनिमल्स नज़र आएँ जो आप पर अटैक कर रहे हैं, या आप किसी अंधेरी जगह में भाग रहे हैं या कोई आपका पीछा कर रहा है या आप डर रहे हैं या कोई मनुष्य आप पर अटैक कर रहा है या कोई सोल आप पर अटैक कर रही है, तो ये सारे नेगेटिव ड्रीम्स होते हैं। या आप डूब रहे हैं या आप कहीं गिर रहे हैं, ठीक है, ये सारी नेगेटिव ड्रीम्स होती हैं जिसको देख कर आप डर जाएँ या आप उठ जाएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा ना कीजिए इस टाइम पीरियड में। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, मन करेगा कि जो सामने है उसका गला दबा दें, मार दें, उसको ख़त्म कर दें, किस्सा ही ख़त्म कर दें, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो ऐसी वाली एनर्जी रहेगी, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको खोलना नहीं है, आपको काम रहना है। और काम रहने के लिए आपका बैलेंस आपकी इंद्रियों पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा आप अगर इन टेस्ट में पास होते हैं, आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों के यूनियंस भी यहाँ पर होंगे इन सिचुएशंस को पार करते ही। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको अनलॉक होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ में स्पेशली पावर की एनर्जी है। पावर जब यूनिवर्स आपको देती है तो धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगता है, आपके बोले हुए वाक्य सत्य होने लगते हैं, आपके विजन सत्य होने लगते हैं, आप जो इमेजिन करते हैं वो चीज़ें विद इन फ्यू मिनट्स आपके सामने हो जाती हैं। तो ये कुछ पावर्स होते हैं जो आपके अनलॉक होते हैं। इसी तरह के और भी पावर्स होते होंगे, मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बता पा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो आपके कुछ भी पावर्स आपके पास होंगे जो अनलॉक होंगे और आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, आपको पता चलेंगी कि हाँ आपके पास ये पावर्स आ रही हैं। तो अगर आप असेंशन प्रोसेस में हैं तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।